Hello everyone. The question here is how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? मतलब हमसे पूछा गया है कि experimentally हम एक alcohol और एक carboxylic acid को कैसे differentiate कर सकते हैं, कैसे उनमें अंतर बता सकते हैं. So there are two tests here. One is sodium bicarbonate test and other one is litmus test. तो पहले मैं बात करती हूँ alcohol एक तरफ लिखती हूँ और कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ. तो पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट. जो अल्कोहल होते हैं वो लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, मींस नो इफेक्ट. एंड ऑन द अदर हैंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बात हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. मींस यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में. मींस पता चल गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. नाउ द सेकेंड टेस्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. नाउ हम लेंगे एक्वा सॉल्यूशन, लेंगे अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और उसमें हम ऐड करेंगे एक्वा सॉल्यूशन ही सोडियम बाइकार्बोनेट का, मींस NaHCO3. तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, मतलब नो रिएक्शन अकर. नाउ कम टू अदर ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे NaHCO3 का और उसमें क्या डिप करेंगे, एसिड. इससे हमें क्या मिलेगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलेगी, मतलब तेजी से आवाज हुई. और वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो. और फिर जब हम इस CO2 को पास कराएंगे लाइम वाटर से तो वो मिलके हो जाएगा. तो हमें पता चल जाएगा कि हम जिसका टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. थैंक यू.